हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 6.2 में आप रख रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन ना देखे हो तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बहुत क्या है, आसान भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आकृति 6.18, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उसमें क्या है, आकृति है 6.18। इन्हें कहा यदि एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के, या सी बी एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। और एल एन, यदि एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, यानी कि सी डी के, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपोन कितना, ए बी, और ए एन अपोन ए डी, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम कुछ ऐसा था, ठीक है। ये कितना था, डी कितना था, ये ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। अब एक चीज का तो हमें पता है, देखो साफ साफ किस चीज का, कि अगर कोई भी दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वहां क्या होता है, बीपीटी का क्या करते हैं, थ्योरम यूज करते हैं। किसका स्टूडेंट, बीपीटी का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रूव भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई हम एन ट्राइंगल। देखो सबसे पहले क्या है, एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के। एल एम ये रहा है ना, और बी सी, सी बी या बी सी ए की बात है ना, ये रहा, ठीक। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल दे रहे हैं, दोनों किस ट्राइंगल मारे हैं यार, ए बी सी। तो मैं लिखूंगा एन ट्राइंगल, क्या लिखूंगा स्टूडेंट, कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या किया मैंने ए बी सी में, कि एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के। एल एम पैरेलल है क्या, बी सी के, यानी क्या है, बी सी के समांतर है, ठीक है भाई। अब अगर कोई लाइन किसी के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो क्या करते हैं हम ट्राइंगल में, आप बीपीटी थ्योरम का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब बीपीटी थ्योरम क्या आती है, वही थेल्स थ्योरम बाय बीपीटी, ठीक है। क्या है, बीपीटी थ्योरम है, मतलब ये पढ़ते आ रहे हैं आप अच्छे से, यानी या थेल्स थ्योरम लिख सकते हो आप, क्या, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब थेल्स प्रमेय क्या कह रही, कि ए बी ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, एम बी कह सकते हो या बी एम कह सकते हो, ठीक है। और ए एल अपॉन एल सी एस सी एल, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगी स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। देखो क्या है, बीपीटी थ्योरम है ना, तो ए एम अपोन एम बी, ए एल अपोन एल सी, ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं। पर एक चीज देखो आप, ये क्या है, हमें क्या प्रूव करना, ए एम है हमारे पास, हमें चाहिए ए बी, क्या चाहिए स्टूडेंट, ए बी। अरे ए बी हमें कब मिलेगा, जब ए एम प्लस क्या होगा, बी एम होगा। तो यहाँ पे एक काम करो आप, या चलो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, इस ट्राइंगल को भी ले लो आप। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अब देखो हमें क्या है, एल एन सी डी के पैरेलल है, एल एन ये रहा और सी डी ये रहा है ना, तो क्या करो, थ्योरम यूज कर दो फिर, है ना, किस ट्राइंगल में, ए सी डी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। अब क्या दे रखा है हमें, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो जो इनकी साइड का रेशो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए एल अपोन एल सी, ए एल अपोन लिख देंगे बाय बीपीटी, है ना, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ठीक है। ए एल अपोन एल सी, ए एल अपोन एल सी बराबर ए एन अपोन एन डी, ए एन अपोन एन डी, इसे क्या मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये क्या है, ए एल अपोन एल सी, अरे कितना है, ए एल अपोन एल सी, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, ठीक है। एल अपोन एल सी, एल अपोन एल सी, दोनों में क्या है, कॉमन है नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी वैल्यू उठा के ना, एल अपोन एल सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड देखो, एल अपोन एल सी, इसकी वैल्यू उठा के ना मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो कितना हो गया, एम अपोन एम बी, ठीक। अरे कितना हो गया, ए एन अपोन एन बी,
ये तो एलईडी रहेगा ना, इसकी वैल्यू ना ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, अभी आ गया। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ऊपर ए एम है तो मुझे क्या चाहिए, ए एम चाहिए, ठीक है। पर यहाँ क्या है, एम बी है, क्या है एम बी, यहाँ पे क्या है ए बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ए एम को एज इट इज रखना है तो उनका क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे बोथ साइड इनवर्स, क्या बोथ साइड इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब वो ए उल्टा करना है ना, अगर हिंदी में लिखना तो कैसे लिखेंगे, दोनों ओर का व्युत्क्रम करने पर, तो भाई दोनों साइड का क्या कर दो, उल्टा कर दो, देखो ये कितना हो गया, एम बी अपॉन एम बराबर ए एन अपॉन एन डी, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या पिछले क्वेश्चन में क्या आपको बताया था, कल क्या बताया था कि अगर हमें क्या करना है कि पूरी साइड अगर लानी है, ए बी अगर पूरी साइड लानी है तो क्या करेंगे, बोथ साइड वन ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे बोथ साइड वन ऐड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड एड वन, ठीक है, क्या कि दोनों और दोनों तरफ यानी कि दोनों और क्या वन जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया भाई, एम बी और ये कितना है ए एम प्लस कितना वन। अभी पिछले क्वेश्चन में सेम यही प्रोसेस करके दिखाया था ना, कर टू ए एन अपॉन ये कितना है भाई एन डी प्लस वन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड हमने क्या करते हैं वन ऐड करते हैं। अब इसका ना क्या कर लो, एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें है ना, इसके अपॉन में क्या मान लो वन, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ये कितना हो गया भाई एम बी, ये कितना हो गया ए एम अपॉन कितना ए एम, ये तो है ना इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें है ना, सेम ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी। देखो ए एम, देखो क्या है बी एम प्लस ए एम, देखो बी एम प्लस ए एम, तो पूरी लाइन किसके बराबर है ए बी के, और ए एम एज इट इज, ठीक है, वन जोड़ने पर है ना, ये कितना है एम बी अपॉन ए एम, तो एम बी अपॉन ए एम, और ये कितना है ए एन अपॉन कितना है एन डी। तो मैंने क्या करा, बोथ साइड क्या कर दिया इसमें वन ऐड कर दिया ना, तो क्या कर लो एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में क्या कर लो वन मान लो आप, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई एम बी, इसमें इसकी मल्टीप्लाई ए एम, और अपॉन इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना ए एम, ऐसे ही है वन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए एन में ए एन, और एन डी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम कितना एन डी, और ये कितना होगा भाई एन डी। तो देखो बी एम एम बी प्लस ए एम, एम एम बी प्लस ए एम, चाहे तो बी एम क्या लो चाहे एम बी क्या लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एम बी प्लस ए एम किसके बराबर पूरा हो गया, ये ए बी के, किसके स्टूडेंट ए बी के, और ए एम एज इट इज इजकल टू, देखो ये कितना ए एन प्लस एन डी या डी एन है ना, तो ए एन अपॉन डी एन कितना हो गया ये ए डी के इक्वल, और अपॉन में कितना एन डी, ठीक है। अब देखो प्रूव आगे क्या, ऊपर क्या है ए एम, नीचे क्या है ए बी, हमारा क्या आ रहा ऊपर ए बी, नीचे क्या आ रहा ए एम, ठीक है, यहाँ कितना है ए एन, और हमारा क्या आ रहा है ये कितना है भाई ए एन, यही था क्या प्रूफ में ए एन अपॉन एन डी, ठीक, कुछ गलती कर दी क्या भैया, व्युत्क्रम। देखो जब बोथ साइड का हमने क्या करा व्युत्क्रम कराया ना, तो इसका क्या करा मैं उल्टा नहीं करा है ना, तो ये एन डी चला जाएगा ऊपर, ये दिक्कत कर दी भैया यहाँ पे, इसकी वजह से गलत आ रहा है थोड़ा सा है ना, कितना ये एन डी तो ऊपर रहेगा और अपॉन में ए एन, कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम लेंगे ये कितना था भाई एन डी प्लस ए एन, और ये कितना है भाई ए एन, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा ए डी है ना, कितना आ जाएगा ए डी, और ये ए एन एज इट इज। अब इनका क्या कर दो, बोथ साइड इनवर्स, ठीक है, क्या कर देंगे कि दोनों ओर का व्युत्क्रम करने पर, सेम यही बात, तो ए एम कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ए बी आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, ए एन भी ऊपर चला जाएगा और ए डी आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा
आंसर, ठीक है। जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, एक बार दोबारा समझ लो, है ना। क्या करना है, देखो प्रूव भाई, हमें क्या दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसमें एल एम है और ये पैरेलल है किसके, बी सी के। इसके बाद हमने क्या, इसमें थ्योरम थ्योरम अप्लाई कर दी, थ्योरम थ्योरम है ना। तो कितना होगा ये, ए एम अपॉन बी एम या एम बी, ठीक है, और ये ए एल अपॉन एल सी। सिमिलरली क्या करना है फिर, ए एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हमने क्या कर लिया, एल एन पैरेलल सी डी, है ना, ये लिख लिया। तो इसमें भी क्या, बीपीटी थ्योरम यूज कर दी, यानी थ्योरम थ्योरम ए एल अपॉन एल सी और ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। इसमें देखा कि ए एल अपॉन एल सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो हमने क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। इनका क्या कर दिया, हमने इन्वर्स कर दिया। क्यों कर दिया, इसे प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, पूरी साइड है। तो पूरी साइड लेने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड वन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो बोथ साइड हमने क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया। तो वन ऐड करने के बाद हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी इसमें, यानी इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी इसमें, इसकी इसमें। तो ये आ गया हमारे पास, तो ए एम प्लस बी एम, ए एम ए एम प्लस बी एम, ये किसके बराबर है, ए बी के। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी, ए एम एज इट इज, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किसके बराबर, ए डी के। यहाँ पे आ गया ए डी, ठीक है। हमने क्या कर दिया लास्ट में, फिर बोथ साइड इनवर्स दोबारा, क्योंकि हमारे पास क्या है ऊपर ए एम, अपन में क्या है ए बी, तो ए एम ऊपर ए बी नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये प्रूफ हो गया आंसर, क्या हो गया, प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।